नमस्कार, आज हम बात करेंगे इस महामारी की गंभीर समस्या में भी अपने परिवार में सकारात्मक माहौल कैसे रखा जाए। मैं डॉक्टर जूही गुप्ता, शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में शिक्षिका हूँ और आज आपसे कुछ आम बातों पर चर्चा करने आई हूँ। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि घर में सामान कम होना चाहिए, घर में साफ सफाई होनी चाहिए, घर व्यवस्थित होना चाहिए, किसी प्रकार की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, आवाज करने वाले ढीले कलपुर्जे घर में नहीं होने चाहिए। तो अब कुछ ऐसी आम बातें जो हम सबको सदैव अपनानी चाहिए, जैसे घर के सभी सदस्यों को सुबह एक साथ जल्दी उठ के और सूर्य की किरणों को घर में घुसने देना चाहिए। ये सूर्य की किरणें ऊर्जा देती हैं, सकारात्मकता देती हैं और बीमारियों से हमें बचाती हैं। हमारे घर में क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा की आवाजाही होनी चाहिए और हम सबको साथ में काम करना चाहिए, मिलजुल कर एक साथ। जब हम संवेदनशील बनेंगे ये संभव हो पाएगा। एक बहुत पुरानी और बहुत महत्वपूर्ण चीज है घर में पूजा पाठ और हवन में कपूर, लौबान, शुद्ध घी और नीम के तेल का इस्तेमाल करना। प्राचीन समय से पता है कि इन सभी चीजों का हवन सामग्री में प्रयोग करने से घर का वातावरण कीटाणु मुक्त होता है और हवा शुद्ध होती है। परोपकार की शुरुआत घर से होती है और परोपकार आता है सकारात्मकता से। तो चलिए जाने हमें क्या क्या करना है। पूजा पाठ, शारीरिक व्यायाम, शरीर से श्रम और मन से शांत रहना है। आपस में संवाद होना चाहिए और उस संवाद में सकारात्मकता होनी चाहिए। एक दूसरे को उसकी काबिलियत और शौक के हिसाब से काम करने में हमें मदद करनी चाहिए। साथ में गाइए, ठहाके लगाकर हंसिए, नाचिए, खेलिए और सब लोगों को एक साथ मिलकर सामूहिक परोपकार जरूर करना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ गांव और स्वस्थ राष्ट्र सुखद संवाद से ही बनते हैं। यही मेरा आज का संदेश है। और अंत में मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि खुशियों के इस मिशन में जुड़े और खुशियों को अपने लिए अपनाएं और बांटने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।